देश में लाल आतंक पर सरकार लगाम लगाने में सफल होती दिख रही है। सीआरपीएफ की रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि अब ये लाल कलियारा लगातार सिकुड़ रहा है और आने वाले वक्त में ये और कम होगा। पिछले साल अप्रैल में गृह मंत्रालय ने कहा था कि नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 106 से घटकर 68 रह गई है, लेकिन इस साल ये संख्या और भी कम हो गई है। सीआरपीएफ के आंकड़ों के मुताबिक नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या महज 58 ही रह गई है। सीआरपीएफ का इकट्ठा किया गया ये डाटा दिखाता है कि 2015 से माओवादी हिंसा में काफी कमी आई है और केवल 4 राज्यों बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में ही 90% से अधिक हमलों की खबर सामने आ रही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में एक ओर जहां नक्सली सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं, वहीं सुरक्षा बल का टारगेट वरिष्ठ माओवादी नेता है। सीआरपीएफ के मुताबिक नक्सलियों का प्रभाव केवल 3 इलाकों तक ही सीमित रह चुका है, जिसमें 1200 वर्ग किलोमीटर का बस्तर सुकमा इलाका, 2000 वर्ग किलोमीटर का आंध्रा उड़ीसा बॉर्डर और 4500 वर्ग किलोमीटर का अबुझमाड़ का जंगल शामिल है। सीआरपीएफ, बीएसएफ और राज्य बलों की मदद से इन इलाकों को नक्सल मुक्त बनाने की सरकार की कोशिश लगातार जारी है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार दूर दराज के गांवों में पुलिस स्टेशनों की स्थापना के अलावा मोबाइल फोन टावरों की स्थापना और सड़कों के निर्माण जैसे विकास कार्यों पर जोर दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।